जय हिंद। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने में ज़्यादातर एस्पिरेंट्स जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो अर्ली स्टार्ट नहीं करते हैं। अर्ली स्टार्ट करने का मेरा मतलब ये है कि जैसे ही आपकी 12th क्लास कंप्लीट हो जाती है उसके बाद से ही आप सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट नहीं करते हो। ज़्यादातर लोग ग्रेजुएशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने की चाह रखते हैं और सिविल सर्विसेज की तैयारी काफ़ी लेट 22, 23 साल, 24 साल जा कर के शुरू करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। आज के डेट में बढ़ते हुए कंपटीशन के दौर में अगर कोई एस्पिरेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी को स्लो मोड में भी अगर 12th के बाद ही स्टार्ट कर लेता है तो ग्रेजुएशन तक कंप्लीट होते होते उसके काफ़ी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। तो ये गलती वो अक्सर करते हैं। और पहले के ज़माने में क्या होता था कि पूरी की पूरी ग्रेजुएशन करने के बाद अगर एस्पिरेंट तैयारी करता था तो वो उसके लिए काम कर जाता था। बट बढ़ते हुए कॉम्पिटिशन में, जैसा कि मैंने बताया है कि एस्पिरेंट्स अब पहले से ही ये सिविल सर्विसेज के लिए एस्पायर कर रहे हैं और अपना एम बना रहे हैं और कई बच्चे तो स्कूल या कॉलेज के साथ साथ ही इसको प्रिपेयर कर रहे हैं और कंपटीशन को टफ बना रहे हैं। तो अगर आप सिविल सर्विसेज की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो 12th क्लास के साथ ही स्टार्ट शुरू करो। 1-2 घंटा दिन में रोज जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स और उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं या NCERTs पर फोकस करो। स्लोली एंड स्टेडीली 2-3 साल तक आप जनरल स्टडीज के बेसिक्स को मजबूत करो। जनरल स्टडीज के बेसिक कोर्सेज या NCERTs के कोर्सेज को फॉलो करके आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छे से मजबूत कर सकते हो और जैसे जैसे आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो पैरेलली आपकी एक अच्छी तैयारी भी हो जाती है। और उसके बाद जैसी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तो आप एडवांस जो सब्जेक्ट्स हैं आप उन पर फोकस कर सकते हो, क्योंकि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, आर्ट एंड कल्चर का बेस तो पहले से ही तैयार होगा। तो अब आप आगे के लिए मेंस के लिए तैयारी कर सकते हो या एडवांस लेवल पर अपने नॉलेज और सब्जेक्टिव नॉलेज को आगे ले जा सकते हो। तो मेरा ये सुझाव है कि जो भी बच्चे आज की डेट में 12th पास कर चुके हैं और वो किसी कॉलेज में BSc करते हैं, BA करते हैं या BCA कर रहे हैं या कुछ वोकेशनल डिग्री कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि अपने लिए 1-2 घंटा रोज जरूर निकालें। सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि आप 1-2 घंटे अपने जनरल स्टडीज को मजबूत करें। चाहे कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पकड़ लें या फिर ऑनलाइन कोई कोर्स पकड़ लें, लेकिन उसके साथ डेडिकेटेडली जुड़ जाइए और अपनी जर्नी को बूस्टअप कर लिए। ध्यान रहे कि जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपको सफलता हासिल होगी और जितनी जल्दी सफलता हासिल होगी उतना ही आप अपनी लाइफ में रिलैक्स्ड रहोगे। जय हिंद।